हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक गुरुत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि आज़ादी की अमृत महोत्सव पिछले कुछ दिन हम लोग पालन कर रहे थे। सो इसी आज़ादी की अमृत महोत्सव के सेलिब्रेशन के समय में हमारी इंडियन रेलवेज यानी भारतीय रेल ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो आइए जानते हैं वो रिकॉर्ड क्या है। आप सबको पता है, मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया कि इंडिया का जो लॉन्गेस्ट ट्रेन है, ट्रेन वासुकी, जो पिछले साल चला था, वही रिकॉर्ड इस साल टूट गया है। इस साल आज़ादी की अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन के समय 15 अगस्त को इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट और हेवीएस्ट ट्रेन चला था कोरबा स्टेशन छत्तीसगढ़ से। ये ट्रेन कोरबा से शुरू होकर राजनंदगांव नागपुर तक चली थी। इस ट्रेन में 295 वागन्स था और 27,000 टन कोयला लेकर ये चले थे। तो यही था इस साल का एक नया रिकॉर्ड जो कायम किया है हमारी साउथ ईस्ट रेलवे। और ये ट्रेन 1:50 पर कोरबा स्टेशन से निकली थी और 267 किलोमीटर ट्रैवल करके राजनंदगांव जो नागपुर में है वहाँ पहुँचने में 11:20 लगा था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा और हमारी भारतीय रेल की ये नई रिकॉर्ड जो सबसे लंबा ट्रेन का हुआ है ये आपको गर्वित किया होगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।